नमस्कार माँ वर्षा में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि हर कोई पूछ रहा था कि बच्चे को पीडियाश्योर या बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स ऐसा कुछ सप्लीमेंट देना चाहिए क्या मिल्क के साथ। तो पहले तो मैंने सोचा था इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बट इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो तो बनता ही है, बनाना ही पड़ेगा, और आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं क्या इसे आपके बच्चे को देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो किस एज में देना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हर चीज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और साथ ही मेरा एक दूसरा चैनल है सोनल्स व्लॉग्स करके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, मेरे बारे में, नन्नू के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां पर मैं है जो मैं कोशिश करूंगी डेली ब्लॉग्स डालने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें ऐसे सप्लीमेंट देने की ज़रूरत ही क्या है बच्चे को। आपको पता है ये जो सप्लीमेंट है, अगर आप बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान, मतलब किसी भी पीडियाश्योर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो आपको पता है उसमें क्या मिलेगा। आपको वही सब मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जो कि हमें बच्चे को डेली डाइट में देना चाहिए। मेरी समझ से कि अगर आप घर के खाने में ही आप ऐसा चीज़ें दें, डेली डाइट में ही आप बच्चे को वो सब दें तो ज़रूरत ही नहीं है आपको ऐसे सप्लीमेंट्स जाने देने की। मैंने अपनी वीडियो में, मतलब जितने मैक्सिमम वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आप बच्चे को एक बार सॉलिड स्टार्ट कर देते हो, मतलब 8 महीने के बाद से अगर मैं बात करूँ, तो आप बच्चे की डाइट में आपको 4 चीज़ें हैं जो कि ज़रूर इंक्लूड करनी है, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, और साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, पनीर हो गया। ये सब चीज़ें अगर आप बच्चे को डेली देंगे तो आपको इन सब के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो सबसे पहले अगर इंग्रेडिएंट की बात करें आयरन की, तो आयरन को अगर आपको बच्चे को देना ही है तो आप बीटरूट दे सकते हैं, जैगरी दे सकते हैं बच्चे के खाने में। इसके अलावा आप डेट्स दे सकते हैं बच्चे को, रागी दीजिए, अनार दीजिए। तो इन सबसे आयरन, मतलब अगर आप डेली भी ऐसी चीज़ों को देते जाएंगे कुछ ना कुछ करके, अगर बच्चे की बॉडी में आयरन जाएगा तो आपको सप्लीमेंट के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको दूध के साथ ये सब मिलाकर देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है प्रोटीन। आप दालें दीजिए बच्चे को, रोज़ दाल दीजिए, राजमा दीजिए, कभी कभी छोले दीजिए, तो इस तरह से बच्चे को प्रोटीन मिलेगा और कहीं कुछ और एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम हम सबको पता है डेयरी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा होता है, तो आप बच्चे को पनीर दीजिए, दूध दीजिए और साथ ही आप बच्चे को दही दे सकते हैं। तो इन सब में कैल्शियम होता है तो आपको अगेन सप्लीमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होता है विटामिन ए, तो विटामिन ए को अगर बच्चे को आपको देना है तो आप लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, पालक दीजिए, ब्रोकोली दीजिए। तो इन सब चीज़ों में विटामिन ए होता है, बच्चे को आराम से मिलेगा। जो आप रोज़ की दाल रोटी सब्जी ही बना रहे हो उसमें ही कोई लीफी वेजिटेबल बना दो तो बच्चे को वो मिलेगा। तो आपको यहाँ सब, हम सोचते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करना है, हम ये सब चीज़ें दें बच्चे को तो अपने आप बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा, बट ये सब मिथ है एक्चुअली। पहले भी तो लोग, मतलब ये सब थोड़ी ना चलता था, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब तो आज आ गया है। बट अगर आप डेली बच्चे को जो घर का खाना होता है हमारा सिंपल वही देंगे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ये सब देने की। मतलब मैं अगर अपना बताऊं, मेरे से लाइव क्वेश्चन में भी, लाइव सेशन में भी क्वेश्चन किया गया था कि मैं बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स नन्नू को देती हूँ कि नहीं देती हूँ, बट मैंने अग्रिमा को आज तक नहीं दिया, ना ही देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, कब से अगर मैं उसको दूध भी देती हूँ तो प्लेन दूध देती हूँ, केवल उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाकर देती हूँ, बट ये हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा वगैरह ये सब नहीं मिलाती हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जो कि इन सब चीज़ों में होता है, वो होता है विटामिन B1। तो विटामिन B1 एक्चुअली हमारे जो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि चावल हो गया, बार्ले हो गया, ओटमील हो गया, दलिया हो गया, इन सब में होता है। तो अगर आप बच्चे को रोज रोटी देंगे, राइस देंगे तो वो भी अल्टीमेटली बच्चे को मिल ही रहा है, तो आपको फिर से इन सब को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि जो स्टार्च जिनमें होता है, जैसे कि आलू हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, राइस हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मात्रा होती है। तो आप बच्चे को अगर ये दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप ये बच्चे की डेली डाइट में देंगे तो आपको कुछ और सप्लीमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शुगर। तो शुगर तो हम ऑब्वियसली देते हैं, अगर दूध भी दे रहे हैं बच्चे को तो उसमें थोड़ा सा शुगर मिला देते हैं, थोड़ा खीर वीर बना देते हैं, कुछ भी है, मीठा बच्चा खाता ही रहता है, तो शुगर भी बच्चे को बहुत आराम से मिलता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड भी आप बहुत आराम से
बच्चे को दे सकते हो, जैसे कि सोया बीन वगैरह जो होता है उसको आप दे सकते हो, टोफू दे सकते हो, तो उसमें भी बहुत ज्यादा होता है फैटी एसिड। इसके अलावा एवोकैडो जो होता है उसमें भी बहुत ज्यादा होता है फैटी एसिड। तो मुझे लगता है जब ये सब चीजें घर में ही अवेलेबल है, होममेड फूड्स में ही अवेलेबल है, तो आपको अगेन वहां जाने की क्या जरूरत है। अब क्या होता है कि कई बच्चों जो प्लेन दूध है वो नहीं पिया जाता है उनसे, कई बच्चों को होता है, तो मॉम्स क्या करती हैं कि चलो कैसे भी करके बोर्नवीटा मिलाकर दे देते हैं। तो अब बात करते हैं किस एज में बच्चे को देना चाहिए। देखिए वैसे तो 2 साल के पहले तो स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बट अगर मैं पर्सनली अपनी सजेशन दूँ आपको तो आपको 2.5 साल के बाद ही बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल तक की बच्चे के सारे दांत आते हैं, मतलब पूरे तरीके से दांत आ चुके होते हैं। तो जैसे कि कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे बॉर्नविटा अगर खा रहे हैं तो बहुत पसंद आता है तो हर बार वही वही खाते हैं, तो टूथ कैविटी होने का जो खतरा होता है वो नहीं होता है। लेकिन 2 साल के पहले तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे की जो किडनी होती है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, वो इन सब चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो 2 साल से पहले तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, 2 साल के बाद फिर भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। बोलते हैं ना किसी भी चीज़ की अति बहुत खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ग्लास मतलब दूध में आप 2-3 चम्मच उसको मिलाकर दे रहे हो, आधा चम्मच भी अगर बच्चा ले रहा है तो बहुत है। मतलब अल्टीमेटली उसको फ्लेवर हमें चेंज करना है, और आप बाकी जो सप्लीमेंट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं वो आप अपने होममेड फूड के जरिए दे सकते हो, जो डेली का खाना है उसमें ये सब वेराइटी में दो आप बच्चे को, तो अपने आप बच्चे को ये सब मिलेगा और आपको ये मतलब कॉम्प्लान और ये सब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मुझे लगता है अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा एंड आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको अपने बच्चे को हॉर्लिक्स पीडियाश्योर और ये सब देना है कि नहीं देना है। इवन पीडियाश्योर में तो स्ट्रिक्टली उनकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, उनके प्रोडक्ट पे ही लिखा हुआ है कि 2 साल के पहले नहीं देना है, बट मेरी समझ से अगर आपका चल रहा है बिना दिए हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा रो नहीं रहा है या दूध बहुत अच्छे से पी रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब देने की, और अगर किसी तरीके से बच्चा नहीं पी रहा है, उसको दूध में थोड़ा सा फ्लेवर चेंज चाहिए, तो उस केस में आप मिला सकते हैं, बट वो भी बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलाने की जरूरत नहीं है। तो बस इस आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में मेरा ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में उसमें बहुत ज्यादा ब्लॉग्स आने वाले हैं और आप मुझे पर्सनली जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।